हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान दीजिएगा। सो दैट द फॉलोइंग इंटीजर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, आल्सो फाइंड द इंटीजर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो करना क्या है कि हमें शो करना है पहले कि ये जो नंबर दिए हुए हैं दोनों, ये दोनों के दोनों जो हैं क्यूब हैं किसी नेगेटिव इंटीजर के। और ये शो करने के बाद हमें ये भी फाइंड करना है कि जिसके ये क्यूब हैं वह इंटीजर कौन सा है। ठीक है, फाइंड द इंटीजर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, गिवन इंटीजर। सो पहले हम क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका, और इसके सारे फैक्टर्स को लिख लेते हैं। आफ्टर दैट मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने फैक्टराइज कर लिया है यहां पर। अब करना क्या है कि इनको हम लिख देते हैं पहले (3)(3)(3)। यहां पर लिख लेंगे इसको, तो माइनस ऑफ, ओके, तो यहां पर जो है नेगेटिव ऑफ दिस मच इज इक्वल टू इतना लिख लिए और यहां पर कर लिए। अब समझना ये है कि पहला यहां पर एक क्वेश्चन है कि शो करिए कि ये जो है इंटीजर्स क्यूब हैं किसी नेगेटिव इंटीजर के। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5832 का जो यहाँ पर फैक्टर्स मिल रहे हैं उनके ट्रिपलेट मिल जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 का ट्रिपलेट बन गया है, 3 का बन गया, यहाँ पे 3 का बन गया। तो डेफिनेटली दिस नंबर इज अ क्यूब ऑफ सम नेगेटिव नंबर। ठीक है, और जिसका ये क्यूब है उसको भी फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे। यहाँ भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर इसका बन गया है ट्रिपलेट, यहाँ बन गया ट्रिपलेट, यहाँ भी मीन्स दिस नंबर इज आल्सो क्यूब ऑफ सम नेगेटिव नंबर। तो किसका क्यूब है कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले हम लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, इसको लिखना है 3 नेगेटिव नंबर्स के मल्टीपल के रूप में। मीन्स हमें क्या करना है कि इन सभी फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि केवल 3 इंटीजर्स मिले और तीनों इंटीजर्स सेम हो। तो कैसे फाइंड करेंगे इन सबको मिला करके, यदि हम ऐसा फाइंड कर लेते हैं तो उन सभी को हम नेगेटिव में लिख सकते हैं। ओके, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो ट्रिपलेट मिले हैं अलग अलग, जैसे 2 का यहाँ पर ट्रिपलेट मिला है 1, 3 का मिला यहाँ पर, 3 का यहाँ मिला, ठीक है, क्या करेंगे कि तीनों ट्रिपलेट में से हम एक एक नंबर को लेकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और जो आएगा उसको लिख देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 8 इम्प्लाइज माइनस 5832 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, देखिए अगर ये इस 2 को मल्टीप्लाई करिए इस 3 को और इस 3 को एक साथ, क्या मिलेगा 3 3 9 9 2 18, तो मिल जाएगा हमें 18 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए यहाँ पर इस 2 को लीजिए और यहाँ इस 3 को लीजिए और यहाँ पर, मतलब कि जो तीनों जो ट्रिपलेट मिले हुए हैं उनमें से एक एक डिजिट का आप जो है मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लीजिए, तो एकदम सेम नंबर मिलेगा आपको, सेम नंबर मिलेगा। डेफिनेटली हमें क्या मिला 2 3 6 6 3 18, और जो बचा हुआ है 2 × 3 × 3, तो ये भी मिल जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 18, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव, यदि माइनस अभी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आप तो नेगेटिव फाइनली आ ही जाता है कि नहीं। तो माइनस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम माइनस 18 का होल क्यूब। ठीक है, और यहां पे आपको दिख रहा है कि दिस नंबर इज क्यूब ऑफ माइनस 18, दिस नंबर इज क्यूब ऑफ माइनस 18। डेफिनेटली यहां से मिल जा रहा है, तो हम लिख देंगे यहां पर आंसर हमारा क्लियरली, माइनस 5832 इज द क्यूब ऑफ माइनस 18। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है सेकेंड वाला, और हमने शो जो करना था यहाँ पे शो कर ही दिया है बिल्कुल कि दिस इज अ क्यूब ऑफ डेफिनेटली ऑफ सम नंबर। अब इसके आगे करते हैं ऊपर, यहाँ पर देखिए इसका जो नेक्स्ट है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसको 3 नंबर्स के मल्टीपल ग्रुप में। कैसे,
माइनस टू सेवन फोर फोर ट्रिपल जीरो इज इक्वल टू, देखिए जितने भी पेयर बने हुए हैं, सॉरी पेयर नहीं मतलब ट्रिपलेट, जितने भी ट्रिपलेट हैं उन सब में से एक एक नंबर को लेकर के मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक साथ लिख लीजिए, मतलब देखिए टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई सेवन, ठीक है, सब में से सारे ग्रुप्स में से हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया है, क्या हो जाएगा टू फाइव जा टेन एंड सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन टेन जा फोर्टीन टेन जा वन फोर्टी, क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ मिल जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई। अब यदि आप ये करेंगे कि ठीक वैसे ही सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इस ग्रुप का और इस ग्रुप में सेकेंड वाले से, यहाँ पर क्या मिलेगा, डेफिनेटली यही मिलेगा 140 ही मिलेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 140 मल्टीप्लाइड बाई 140, ठीक है, मतलब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मिल जाएगा वही 140। और ये जो मिला हुआ है तीन नंबर्स को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ 140 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 140 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 140, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप मिला है माइनस 140 का थ्री टाइम्स, इसको हम लिख लेंगे माइनस 140 का होल क्यूब। तो यहाँ से दिख रहा है क्लियरली माइनस 2744 ट्रिपल जीरो इज द क्यूब ऑफ माइनस 140 और यही आपका आंसर है, माइनस 140 इज योर आंसर फॉर दिस सेकेंड वन। ओके, कहने का मतलब है कि आप पहले फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद जितने भी ग्रुप मिलते हैं उन सब में से एक एक इच ग्रुप में से एक एक नंबर को लेकर के मल्टीप्लाई करके थ्री नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में इसको लिख दोगे आप, और इसको आप निगेटिव में थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि निगेटिव तीन थ्री टाइम्स यदि निगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव ही रहता है। Therefore, we can write this much like this, and after that, हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे सेम नंबर्स हैं थ्री टाइम्स आए हैं तो माइनस 140 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये बता रहा है कि माइनस 140 का होल क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, है कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ से दिख रहा है क्लियरली कि इतना दिस मच 27,44,000, ओके 27,44,000 ये जो नंबर है ये इक्वल है माइनस 140 का होल क्यूब के। That's it, that is your answer, मतलब कि ये हो चुका है बिल्कुल। तो थोड़ा सा केयर इसमें रखिएगा, यहाँ पर लास्ट वाला जो तरीका है यहाँ पर उसमें थोड़ा समझिएगा कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।